हेलो एवरीबॉडी, जय मसीह। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और बहुत दिनों के बाद फिर मैं आप लोगों के रूबहू हो रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा, सर जी क्या हमें सैटरडे में चर्च जाना ज़रूरी है क्या, यानी सबा दिन को हमें मनाना ज़रूरी है क्या? ऐसा एक प्रश्न पूछा था। और मुझे लगा कि ये प्रश्न अभी जो है बहुत सारे विश्वासी के जीवन में उठ रहा होगा। तो इसी संदर्भ में मैं कुछ बातें बाइबल का वचन आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। जैसा कि हम सभी क्रिश्चियन लोग मालूम है कि हम लोग का बाइबल जो है दो भाग में बांटा गया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम जो कि यीशु मसीह से पहले लिखा गया था और यहूदी समाज के लोग जो है उसे अपना शास्त्र मानता है और उसे वह लोग जो है तोरा कह के जाना जाता है। तोरा का मतलब है नियम, जिसे हम कानून कहते हैं। और हम मसीही लोग जो है नया नियम को मानते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का शिक्षा, यीशु मसीह का सेवकाई और अपोस्टल लोगों का शिक्षा और सेवकाई हमें नया नियम में देखने को मिलता है। और नया नियम जो है साबात डे के बारे में क्या कहता है, उसको आज हम जो है थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहूदी धर्म में सबात दिन जो है बहुत ही महत्व रखता है। यीशु मसीह के समय में भी यीशु मसीह स्वयं सबात दिन में मंदिर में जाता था, सिनागोग में जाता था और वहाँ में शिक्षा, सिनागोग में जो शास्त्र की पढ़ाई होता है, प्रार्थना होता है, वह सब जो यहूदी लोगों का जो नियम था उसको यीशु मसीह ने पालन किया, क्योंकि वो स्वयं यहूदी व्यक्ति था। और नया नियम में हम लोग देखने से मिलता है कि जो चार गॉस्पेल है, गॉस्पेल मैथ्यू, गॉस्पेल मार्क, गॉस्पेल लूक और गॉस्पेल जॉन, ये चारों गॉस्पेल का अंत चैप्टर लास्ट साइट में, जहाँ में यीशु मसीह का रिसरेक्शन के बारे में जहाँ डिस्क्राइब किया गया है, खास तौर से मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा बाइबल वर्स मैथ्यू में देखने से चैप्टर 28 वर्स 1, मार्क चैप्टर 16 वर्स 1, लूक चैप्टर 24 वर्स 1 और जॉन चैप्टर 20 वर्स 1 में देखने को मिलता है। वहाँ में इस प्रकार से लिखा गया है कि सबात दिन खत्म होने के बाद यीशु मसीह सुबह प्रातःकाल जो है जाग उठा। और कोई कोई वर्सन इस प्रकार से भी लिखा कि सप्ताह का पहला दिन, यानी सबात दिन खत्म होने के बाद जो दिन शुरुआत होता है वो सप्ताह का पहला दिन होता है इसराइल में। तो इसराइल में शनिवार जो है सबात दिन है और सप्ताह का पहला दिन जो है संडे मॉर्निंग होता है। जैसे कि हम लोग का यहाँ में हम लोग संडे को बंद होता है, ऑफिस बंद होता है, सब चीज़ बंद होता है, तो सप्ताह का पहला दिन हम लोग का यहाँ में मंडे होता है। लेकिन बाइबल में जहाँ में लिखा गया है कि सप्ताह का पहला दिन, तो बाइबल का लिखा गया मीन्स वो इसराइल का कैलेंडर के हिसाब से सप्ताह का पहला दिन संडे होता है। तो संडे सुबह को यीशु मसीह जी उठा, इसीलिए हम क्रिश्चियन लोग जो है संडे को प्रभु का दिन, अंग्रेजी में हम कहते हैं लॉर्ड्स डे कह के जाना जाता है। अब यह प्रश्न हुआ, क्या क्रिश्चियन लोग जो है सबात डे को मानना जरूरी है क्या, आवश्यक है क्या? तो बाइबल का हिसाब से देखा जाए तो यीशु मसीह ने स्वयं कहा है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 में, मैं नियम को नष्ट करने नहीं आया हूँ, कानून को नष्ट करने नहीं आया हूँ, लेकिन नियम को पूरा करने के लिए आया, टू फुलफिल द लॉ। तो लॉ क्या है? तोरा। तोरा मतलब क्या है? पुराना नियम, जो हम क्रिश्चियन लोग पुराना नियम बोलते हैं, वो ही ज्यूस लोगों का स्क्रिप्चर जो है लॉ है।
तो लोगों को क्या करने आया है? यीशु मसीह पूरा करने के लिए आया। तो यीशु मसीह का बात से ही हम लोग पकड़ेगा, जब तक यीशु मसीह नहीं आया था वह कानून जो क्या था, वो लो जो, वो तोरा जो क्या था, अधूरा था, कंप्लीट नहीं था। यीशु मसीह आया और उन्होंने कंप्लीट किया। दैट मीन्स द फुलनेस, कंप्लीटनेस, संपूर्णता यीशु मसीह ही है। जब तक यीशु मसीह नहीं होगा वो लो भी जो है, वो नियम जो भी क्या होता है, पूरा नहीं होता, अधूरा होता है। तो दैट मीन्स यीशु मसीह जो है कंप्लीट है। और जहां हम बाइबल में देखता है हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 5, वहां में देखने को मिलता है कि पुराना नियम जो क्या है, मोसेस का शिक्षा क्या है, वो सब जो क्या है एक उदाहरण के तौर पे, एक नमूना के तौर पे था, जो कि आने वाला समय में घटित होने जा रहा है। और वह जो है नया नियम का क्या है, परछाई है, शेडो है, द एक्चुअल फिगर जो है न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट है। तो इसलिए हम जो है एक्चुअल फिगर को जो है हम पकड़ के रखता है, दैट इज जीसस क्राइस्ट। और वो भी कैसा वाला जीसस क्राइस्ट, जो मर के जी उठा, जीवित यीशु मसीह को हम लोग मानता है, ना कि मरा हुआ यीशु को मानता है, हम लोग मर के जी उठने वाला यीशु को मानता है। और हम क्रिश्चियन जो है संडे में इसलिए चर्च जाता है क्योंकि लॉर्ड्स डे, प्रभु का जी उठने वाला दिन को हम लोग याद करते हुए, और हम लोग ही नहीं, पुराना जमाना से अपोस्टल यीशु मसीह का जो चेला है उन लोगों के जमाना से जो है सप्ताह का पहला दिन में वो लोग गैदरिंग करके प्रार्थना करता था, ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड, रोटी तोड़ता था, और कलेक्शंस फॉर द पुअर चर्चेस, जो गरीब चर्च है, जो तकलीफ वाला है, उनको मदद करने के लिए जो लोग ऑफरिंग उठाता, वो सब चीज़ काम में होता था सप्ताह का पहला दिन, दैट मीन संडे सर्विस। तो वो उसी समय से चल के आ रहा है जो कि अब तक हम इसको कर रहा है लॉर्ड्स डे। ये हमें बाइबल में देखने को मिलता है एक्स चैप्टर 20 वर्स 7, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 16 वर्सेस 1 और 2 में साफ साफ देखने को मिलता है। तो सप्ताह का पहला दिन जो हम लोगों ने शुरू नहीं किया है, कोई हमारा एसोसिएशन चर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू नहीं किया है, या अपोस्टल के जमाना से होके आ रहा है चर्च ट्रेडिशन। तो हम लोग संडे को हम लोग जो है चर्च जाता है, तो संडे को जब हम चर्च जा रहे हैं तो सैटरडे को क्यों नहीं बोलने से, क्योंकि सैटरडे जो है हिब्रू लोगों का है, ज्यूस लोगों का है, सबद, 6 दिन 6 रात काम करो, 7वां दिन में विश्राम करो, ये यहूदी लोगों के लिए है विश्राम दिन। सबद का मतलब ही है विश्राम, आराम करने। तो हमारा विश्राम कौन है, हमारा शांति, हमारा आराम कौन है, यीशु मसीह है। हम पाप के बोझ से दबे हुए थे, पाप से हमें कौन आराम दिलाया, यीशु मसीह। वो कैसे आराम दिलाया, हमारे लिए क्रॉस पे चढ़ा, मरा, 3 दिन के बाद फिर जी उठा, तो हमें आज़ाद कराया। तो इसलिए उसका जी उठने वाला दिन जो है हमारे लिए विश्राम दिन हुआ, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा साबात जो है संडे है, नॉट सैटरडे, ये एक दूसरी बात। और फिर बाइबल में हमें देखने को मिलता है गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 27 में कहा गया है, साबात को जो है मनुष्य के लिए बनाया था, मनुष्य को साबात के लिए नहीं बनाया है। तो मतलब क्या है, मनुष्य जो है साबात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साबात जो है इम्पोर्टेंट नहीं है आदमी से। तो कोई को बोलता है साबात दे में तुम गिर जा नहीं जाने से, सातार दे में गिर जा तुम नहीं जाने से नरक जाएगा, अरे साबात हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो यीशु कहा है साबात को किस लिए बनाए, आदमी के लिए बनाए, आदमी को साबात के लिए नहीं बनाए। तो दैट मीन्स वी आर मोर इम्पोर्टेंट देन साबात। और फिर स्वयं यीशु मसीह ने कहा है मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 8 में कि वो साबात का मालिक है, साबात का प्रभु है, लॉर्ड ऑफ साबात। तो साबात का मालिक जब यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह को हम लोग को मानना चाहिए, और यीशु मसीह का मर के जी उठने वाला दिन को ही हम लोग मानता है ऐसा लॉर्ड्स डे। और बोला जाए
तो अभी यीशु मसीह हम लोग को आज़ाद करा दिया है। हमारे लिए सैटरडे इम्पोर्टेंट है, संडे इम्पोर्टेंट है, या मंडे इम्पोर्टेंट है, या ट्यूसडे इम्पोर्टेंट है, ऐसा बात नहीं है। हर दिन परमेश्वर का बनाया हुआ दिन है। हर समय हम परमेश्वर को वर्शिप कर सकता है, हर दिन हम परमेश्वर को वर्शिप कर सकता है। कोई फिक्स दिन नहीं है हम लोग के लिए, कोई फिक्स दिन इम्पोर्टेंट दिन ऐसा नहीं है। लेकिन संडे ही क्यों करता है बोलने से, ऐसा क्रिश्चियन हम लोग प्रभु को याद करते हुए, वो दिन में प्रभु मर के जी उठा था, उसको याद करते हुए हम लोग जो है संडे चर्च को हम लोग प्रैक्टिस करता है, संडे में चर्च आने के लिए हम लोग प्रैक्टिस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा क्रिश्चियन हम लोग संडे जाता है। वी आर नॉट ज्यू, और यीशु सबाते को मानता था क्योंकि वो ज्यू था ना, वो क्रिश्चियन नहीं था। तो हम लोग क्रिश्चियन है इसलिए हम लोग संडे को चर्च आता है। हम लोग यीशु मसीह का बात को मानना चाहिए। ये बात नहीं कि अपोस्टल का बात नहीं मानना है या प्रोफेट्स का बात नहीं मानना है, उन लोगों का भी मानना है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यीशु मसीह है हम लोगों का ना, हम लोग का विश्वास का मेन जो है मालिक, द मेन ऑथर ऑफ आवर फेथ, वो जो है यीशु मसीह है। इसलिए लॉर्ड्स डे को हम लोग मानता है। मैं आशा करता हूँ कि ये शॉर्ट वचन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।